तो आप देख रहे हैं टेक्निकल टाइम्स। आज मैं आपको जो है लैपटॉप में जो है सिम कार्ड किस तरीके से इंसर्ट करते हैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। तो बिना समय को गवाए मैं जो है आज आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सिम कार्ड को जो है लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। तो बिना समय को गवाए चलिए शुरू कर दें। और एक बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसे क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन और घंटे को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। जब भी मैं नया वीडियो भाऊँगा आपको जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले जो है आपका पावर सप्लाई जो है उसे ऑफ कर लेना है, यानी कि उसे बंद कर लेना है दोस्तों। बटन बंद करके उसे निकाल दीजिए। उसके बाद में जो है आपके लैपटॉप को जो है आप जो है रोटेट कर लीजिए दोस्तों। रोटेट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये बटन्स है दोस्तों, इधर एक ये बैटरी जो है इससे रिमूव होती है दोस्तों। इसे बैटरी को जो है बाहर निकाल लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ये बैटरी जो है कुछ ये बटन्स के ज़रिए बांधने इस तरीके से बाहर आ जाएगी दोस्तों। आ जाने के बाद आप यहाँ पर ये सिम कार्ड को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से सिम इंसर्ट होता है। ये डायरेक्शन भी दिया है दोस्तों, ये कट जो है ए साइड जाना है दोस्तों। इसी तरीके से ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये कट कुछ इस तरीके से यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में अंदर, ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं इसे, ये बैठ गई नहीं बैठी दोस्तों। इसे इस तरीके से प्रेस करना है दोस्तों। ये देखिए ये बैठ गई, ये जो है इस तरीके से इंसर्ट होती है दोस्तों। इसे बाहर निकालना है तो जस्ट ऐसे प्रेस कीजिए, ये बाहर आ जाएगी दोस्तों। अगर अंदर डालना है तो दोस्तों इसे इस तरीके से डालकर, ये देखिए प्रेस हो गई, ये दबाने पर ये बाहर आ गई। इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसको डालना है दोस्तों, डालकर इसको क्लिक कीजिए। बाद में आपकी बैटरी जो है, बैटरी को जो इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद इसे सीधा कर लीजिए दोस्तों। सीधा करने के बाद पावर सप्लाई को जो है ऑन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से जो है अब जो है अपने लैपटॉप के अंदर सिम कार्ड को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इसके अलावा भी कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।